हाँ गाड़ी वाले क्या देख रहा है इस साइड। और यार भाई इसके लिए भाई मतलब मैंने अपना फोन तक भेज दिया। बस मैं बिल दिखा देता हूँ आपको इसका। ये देखो भाई ये रहा इसका बिल। ओ मशीन भाई मेरे कार है भाई, ये मैं तो टूट गया भाई। कैसे हो सब लोग, सब बढ़िया होंगे। तो आज देख सकते हो यार काफी दिनों बाद अपना बैटमैन आया है। इसका यार काम करवाने के बाद था तो यार आज इसका हमने काम भी करवा दिया। देख सकते हो पूरा इंजन का काम करवाया अभी हमने इसका। और बाकी भाई सोच के तो मैं आया था कि अभी इसका काम चल ही रहा होगा, पर भाई ने यार एकदम जल्दी से ही काम कर दिया। मैंने सोचा एक दो क्लिप्स दिखा दूंगा आपको कि इंजन इसका खुला वगैरह है। और बाकी भाई फिलहाल यार इसका पूरा काम हो चुका है। और ये अपने सहल जी। हाँ जी सहल जी, कैसा लग रहा है आपको, बड़े दिनों बाद आइए। अच्छा अभी राइड भी लेंगे, देख सकते हो अभी इसको स्टार्ट वगैरह किया है। 10-15 मिनट के लिए इसको स्टार्ट रहने देंगे इसी, क्योंकि यार इसका पूरा इंजन का काम अभी अभी हुआ है। बाकी यार भाई को बुलाएंगे और भाई से पूछेंगे कि इसका क्या क्या काम हुआ है। बाकी यार काफी सारी बातें हैं वो यार आपको बाद में चल के बताएंगे। लाल यार इसमें पेट्रोल नहीं है, पहले यार पेट्रोल डाल देते हैं। ये स्टार्ट तो है पर इसमें पेट्रोल कम है तो पेट्रोल डाल लेते हैं। गिरना चाहिए बाहर थोड़ा सा भी, नहीं थोड़ा सा भी नहीं गिरना चाहिए। वे सारा डेटा बाहर फिर बोला थोड़ा सा पाउडर, चल कोई सीन नहीं। तो फिलहाल यार पेट्रोल तो डल चुका है, इसकी टंकी मेरे को लगता है आधी होगी है, काफ़ी है इतना सारा पेट्रोल। तो इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। ये देखो भाई हो भी स्टार्ट। अभी एक और चीज़ डीवी कलर भी खोलोगे आप, चल खोल। बाकी फिलहाल भाई डीवी कलर भी खोल देते हैं। वो तुझे खोए हाँ। ओ भाई डीवी कलर खुल गया यार, अब साउंड सुनो। तो ये रहे अपने भाई जिन्होंने अपना काम किया। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो भाई बताएंगे अभी इसके अंदर क्या क्या काम हुआ अभी। अभी इसका अभी मेरा काम हुआ है पिस्टन की वगैरह, पिस्टन की होगी, वाल्व हो गए, वाल्व की सीले हो गई, टाइमिंग चेंज हो गई। अच्छा अच्छा। और एक चेन टेंसलर होता है वो डल गया, वो सीले डली, इंजन ऑयल डला, स्पार्क प्लग ने डला। अच्छा अच्छा। और बाकी ओवरऑल सब कुछ साफ किया है। ओवरऑल अब साउंड आप चेक कर सकते हैं, आपको दो टाइम कलर ही लगेगा। हाँ साउंड तो अभी कम ही देंगे। 500 किलोमीटर पहले सर्विस होगी, सर्विस भी होगी 500 किलोमीटर के बाद। अच्छा जब भी 500 किलोमीटर हो गए आपने इसकी सबसे पहले गाड़ी कराई, 500 से सर्विस करवानी। अच्छा आराम से चलेगी, आराम से विजिट करना सिर्फ बाइकर पॉइंट। आओ मैं बोल लूँगा सब कुछ अभी लूँगा अभी। चलो ठीक है भाई करो आप अपना काम, बाकी मैं बताता हूँ इनको की कहाँ है शॉप के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। बाकी भाई फिलहाल देख सकते हो भाई ने यार मतलब कल शाम भाई मैं इसको भाई के शॉप पे छोड़ के गया था। और यार भाई ने मतलब रात को 11-12 बजे तक इसका काम किया है। और यार मतलब अगले दिन फिर इसको पूरी रेडी कर दिया है, मतलब भाई ने यार इतनी जल्दी इसका इंजन का पूरा काम कर दिया भाई, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल। और यार भाई की शॉप आप देख सकते हो ए रहा भाई सिद्ध बाइकर। बाकी यार नंबर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर किसी को दिख नहीं रहोगे तो कमेंट कर देना, बाकी मैं कमेंट में नंबर दे दूंगा आपको भाई के। और यार भाई की इंस्टाग्राम की आईडी भी है वो आपको स्क्रीन पे आ रही होगी, भाई के फॉलो भी कर लो। और मैं लोकेशन दिखा देता हूँ आपको, रोड वाली साइड से भाई नीर चौक जाओगे तो यार बीच में मतलब नलखा पड़ता है और नलखे में भाई की शॉप देख सकते हो, ये रहा पूरा रोड। बाकी फिलहाल यार भाई ने इतने जल्दी काम कर दिया, मतलब क्या बताएं आपको, अभी कल शाम ही छोड़ के गया था, पूरी रात भाई मतलब सिर्फ इसी का ही काम करते रहे। बाकी अगर किसी ने आना हो तो जरूर आओ भाई, भाई से काम कराओ, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल काम करते हैं। बाकी इसका भी भाई ने कहा कि सर्विस वगैरह इसकी 500 किलोमीटर के बाद करेंगे और तब तक इसको बिल्कुल बढ़ानी है, 40-50 की स्पीड में चलाएंगे, ज्यादा नहीं चलाएंगे। बाकी चलो अभी भाई को इसकी पेमेंट वगैरह करते हैं और बिल वगैरह लेते हैं कि क्या क्या हुआ, बाकी उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फिलहाल भाई देख सकते हो ये स्टार्ट हो गया और पेमेंट वगैरह पूरी हो चुकी है। और ये रहे अपने भाई परे बैठे हुए जिन्होंने पूरा काम किया है। करो हेलो करो। ओके ओके बाय बाय। तो चलो भाई निकलते हैं अभी। तो भाई फिलहाल ये रही भाई की शॉप, किसी को आना होगा मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूंगा, तो यार आ सकते हो। तो फिलहाल चलते हैं अभी चलो। तो यार मतलब इतने दिनों बाद चला रहा हूँ भाई इसको, यार क्या ही मजा आ रहा है। और यार बहुत ही अजीब अजीब सी लग रही है ये। भाई कैसी लग रही है भाई ये। और यार अभी शायद इसके दोनों टायर में यार हवा भी कम है, तो यार हवा भी चलवा लेते हैं इसमें, चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप पे। और यार बिल तो आपको दिखाया नहीं, तो सबसे पहले आपको बिल दिखा दिया इसका कितना बना है। तो देखो भाई ये रहा अपना बैटमैन जो कि यार मतलब 10-15 दिन से घर में था। और यार कल मैंने इसका काम करवाया और यार भाई ने मतलब इतनी जल्दी, और इसको देखो बिल उठाने की लगी है। और यार भाई ने मतलब इतनी जल्दी काम करवाया कि भाई क्या ही बताऊं, मतलब मैंने कल शाम को ही छोड़ी ही, भाई ने मतलब आज एकदम रेडी करके दे दी पूरी। अगर यार कंपनी में देता तो यार उन्होंने एक महीने कम नहीं लगाना था। बाकी मैं बिल दिखा देता हूँ आपको इसका। ये देखो भाई ये राइस का बिल दिख रहा है, ये राइस का बिल देख सकते हो। टोटल प्राइस है 6,740। देख रहे हो भाई इतना पैसा लग गया भाई इसको इंजन को ठीक करवाने में। और दिक्कत पता यार इसमें क्या थी, इसमें भाई मतलब जो इसका एग्जॉस्ट था वही स्मूथ निकाल था और उसकी वजह से यार इसका इंजन एकदम से जल्दी जल्दी खत्म हो जाता था, तब करके भाई इसका काम करवाना ही पड़ा, वरना यार 4-5 दिन में ही मतलब पूरा इंजन खत्म कर दे रही थी, 3-4 बार में डलवा भी बैठा। बाकी चलो अब तो अपना बैटमैन रेडी है। और यार आपको एंगल थोड़ा अलग सा लग रहा होगा क्योंकि यार मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ, मैं अमन भाई से गोप्रो लेके आ गया हूँ। तो यार अमन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने यार फिर ओए ये बंदा भाई सुधरता ही नहीं,
उन्होंने यार फिर से मेरे को गोप्रो दे दिया। तो यार अमन भाई आपका दिल से शुक्रिया, इस टाइम भाई गोप्रो की मतलब बहुत ज्यादा जरूरत थी। और यार भाई इसके लिए भाई मतलब मैंने अपना फोन तक बेच दिया, मेरे पास भाई फोन वगैरह कुछ भी नहीं है, अपना फोन था जो मेरे पास पोको X3 था उसको मैंने सेल कर दिया। जितने पैसे भाई उससे मैंने भाई मतलब सारे इसी पे लगे, मान के चलो तुम। ब्लॉग तो यार मैं बना रहा हूँ पर पता नहीं यार अपलोड भी कैसे करूंगा क्योंकि यार फोन ही नहीं है और सैलजी का फोन भी इतना मतलब है नहीं कि इसमें गोप्रो की वीडियो चल सके। तो चलो देखते हैं वो एडिट वगैरह कैसे करेंगे। अगर आपके पास वीडियो पहुंची है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेगा वो तुम्हारे भाई ने। बाकी यार बैक से लुक चेक कर सकते हो, ये देखो भाई क्या खतरनाक लग रहा है अपना बैटमैन भाई, काफी दिनों के बाद आया भाई, मतलब क्या बताऊं भाई आपको कितना खुश हूं भाई आज मैं। अरे बस करो साहिल जी बस, चलो फिलहाल चलते हैं पहले पेट्रोल पंप चलते हैं। और यार देख रहे हो पैर पैर जा रहा है, पेट्रोल पंप चलते हैं। पेट्रोल तो भाई इसमें हमने डाल दिया, खुला पेट्रोल डाल दिया था अभी, मतलब आधी से ज्यादा टंकी होगी इसकी। फिलहाल हवा वगैरह डलवाते हैं इसमें, वीडियो एडिटिंग के बाद देख लेंगे या किसी का फोन लेके मैं कर लूंगा। चलो देखते हैं कैसे रहता है, हवा वगैरह डलवा लेते हैं उसके बाद देखेंगे भाई वीडियो एडिट का कैसे रहता है। बाकी फिलहाल निकलते हैं इसको लेके, इसके टायर दोनों टायर में हवा कम है, देख सकते हो भाई काफी ज्यादा कम है। निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी साहिल जी दोनों साथ में, इतने दिन बाद कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। चलो यार चलते हैं अभी। भाई यार इतने दिनों बाद भाई अपना बैटमैन हाथ में आया, क्या ही बताऊं भाई आपको। और यार भाई ने कहा है कि ज्यादा मत भगाना इसको क्योंकि इसमें अभी मतलब ये मान के चलो भाई इसमें इंजन पूरा नया ही डला है ये समझ लो। तो भाई राम राम से ही चलाएंगे इसको कुछ टाइम तक, मतलब 500 किलोमीटर तक, उसके बाद भाई इसकी सर्विस होगी, उसके बाद भाई हम जितना मर्जी भगा सकते हैं इसको। बट यार साउंड भी थोड़ा कम कम आ रहा है, जितना आगे चलती जाएगी उतना इसका साउंड मतलब खुलता जाएगा। आगे तो पुलिस वाले चचा भी खड़े हैं, अभी बस वाले क्या कर रहा है पूरा ही आ जा। हाँ गाड़ी वाले क्या देख रहा है इस साइड, खुद गलत आ रहा है मेरे को देख रहा है। मन तो भाई इसको भगाने का इतना कर रहा है भाई क्या बताऊं, पर यार भगा नहीं सकते। चलो कुछ टाइम तो आराम से चलानी पड़ेगी। और ये साहिल जी को तो देख सकती हो, ये तो देखती नहीं है कुछ। अब यार ब्रेक भी टाइट करनी पड़ेगी इसकी, लेदर में अब यार भाई ने इसके नहीं डाल दिए, आज पता नहीं दोनों डाले हैं एक डाला है, पर तब भी ब्रेक थोड़ी लूज रख दी है, मैं टाइट कर दूंगा इसको खुद ही घर में। अबे इधर की स्वाद का ट्रैफिक लग गया, वो चर्चा क्या कर रहा है। बाकी यार कमेंट करके बताओ एंगल वगैरह कैसा रहा आपको, मैंने अभी एंगल वगैरह देखा नहीं है और आवाज भी मैंने चेक नहीं करी है कि कैसी आवाज आ रही है। कमेंट करके भाई जरूर बता देना कि आवाज और एंगल कैसा रहा है। ओ यार पूरा गीला हो गया यार, पीछे चिकड़ी चिकड़ आ गया मेरी पीठ के ऊपर। एक तो यार बारिश का मौसम है, देखते तो बादली बादल यार, रोड गीला है यार, सारा चिकड़ यार मेरे ऊपर उछल के आ रहा है। तो चलो यार फिलहाल पहुंच चुके हैं पेट्रोल के पंप के पास, हवा डलवा लेते हैं इसमें पहले। वो 17 है आगे वाले टायर में, तो इतनी जल्दी हो भी गई टायर ला लगे तो मुझे करता ही। ए देख वो आ रहा है, ये मशीन भी सस्ते ना से, ये मशीन भी भाई 32 रुक ले साहिल जी 32 होगी। 12 इतनी कम इसके टायर में भाई, इतनी कम इसलिए क्योंकि इसका यार पंचर है, दो पंचर लगे हैं इसके टायर में। कब लगाओगे इनको साहिल जी, जब ये टायर पूरा बैठ जाएगा। वही क्या कर रही है मशीन, 31 30 क्या कर, ओ देख कभी 30 कर रही है कभी 31। ए देखो भाई क्या है ये, कभी 30 कर रही है कभी 31, ओ 29 कर दी, अब 32 क्या मशीन है भाई ये। वही ये तो भाई निकाल रही है 32 से भाई इसने 28 कर दी। 29 31 अरे 32 कर, 31 ही रह रही है, 32 नहीं रही, क्या मशीन है भाई ये। 29 27 ए मशीन भाई बेकार है भाई, मैं तो टूट गया। चले और ये देखो भाई बैटमैन का साउंड सुनो यार, अभी तो कम आ रहा है पर ये देखो भाई राम राम से साउंड भी आ जाएगा जैसे जैसे इंजन चलता रहेगा। और ये फिलहाल साहिल जी तो पेट्रोल पंप वालों से मिलने गए हैं, तो यार इसको तो छोड़ परे, पर आप बैटमैन को देखो यार, मतलब इन दोनों को देखो यार, इतने दिनों बाद भाई ये साथ में है, मतलब क्या ही खतरनाक लग रही है। बस भाई आवाज वगैरह यार अच्छे से रिकॉर्ड हुई हो, बाकी तो यार कोई सीन नहीं है। और यार आगे से लुक चेक करो इसकी यार, ये देखो भाई क्या प्यारी लग रही है भाई। मतलब भाई 10-15 दिन से यार मैं घर में ही था, मतलब इतना बोर हुआ घर में तो मैं क्या बताऊँ आपको, पर चलो अब तो अपना बैटमैन आ गया है। अब तो यार ट्राई तो यही करेंगे कि डेली व्लॉग डाले, पर यार बॉडी नहीं है मेरे पास, एडिट कैसे करूँगा, चलो वो भी देख लेंगे, शायद घर वालों के फोन में कर लूँगा जैसे जैसे। एक तो यार ज्यादा तो मैं भगा नहीं सकता, इसीलिए राम राम से ही ओवरटेक लेना पड़ रहा है, वरना भाई आपको तो पता ही है हम कैसे चलते हैं, बिल्कुल राम राम से। तो देखो इसको कैसे जा रहा है, साहिल ब्रो आप भगा सकते हो यार, पर हम अभी नहीं भगा सकते। भाई व्यापार क्या वजह, अभी भी व्यापार मार रही है। अरे फोर व्हीलर वाले क्या कर रहा है अभी यार, यहाँ पे तो अभी अभी छुट्टी हुई है स्कूल में। अब यार क्या ट्रैफिक लगा पड़ा है इधर, नहीं नहीं ज्यादा एक्सीडेंट नहीं रहा है भाई ने मना किया, ज्यादा नहीं रहा है। बाकी चलो यार फिलहाल चलते हैं मुड़ते यहाँ से। अबे यार पूरा चिकट ऊपर आ रहा है मेरे, वेरी नाइस, आप डिफ्टे मारो इधर। आपकी ये देखो भाई इसकी हालत।
पीछे से चिकट उड़ रहा है वो सारा इसके ऊपर। करो इसका काम करो थोड़ा सा, करना है पीछे वाली लाइट है ना वो करनी है पूरी स्मोक ब्लैक। अच्छा अच्छा धूप चाहिए उसके लिए तभी होगा। अच्छा मैं कब आऊँ फिर, परसों सुबह आऊँ परसों शाम को आया फिर मैं। चलो ठीक है मिलते हैं फिर। ओके तो भी यार फिलहाल अपना काम तो हुआ नहीं क्योंकि भाई कह रहे हैं यार क्योंकि मौसम अभी ठीक नहीं है, बारिश वाला मौसम है तो यार इसमें मतलब जो रैप होता है वो अच्छे से चिपकता नहीं, तब करके भाई ने बोला कि जब धूप होगी तो तब आना, कोई बात नहीं हम परसों शाम को करवा लेंगे। चलो भाई फिलहाल पहुंच चुके हैं घर के पास, खाते हैं आपको दोनों को। ये देखो भाई ये रही दोनों बैटमैन और पैंथर, जो कि यार मतलब काफी दिनों के बाद आई है, मतलब काफी दिनों के बाद साथ है, मतलब 10-15 दिनों से, तो 10-15 दिनों से भाई मतलब ये घर में ही खड़ी थी और यार मतलब कल ही मैंने इसका सारा काम करवाया और क्या बोलना। और बाकी साहिल जी की स्कूटी भी देख सकते हो आगे से इन्होंने पूरी ब्लैक कर दिया है, देख सकते हो क्या खतरनाक लग रही है। बाकी ये देखो भाई दोनों को चेक करो यार, मतलब नेक्स्ट लेवल लग रही है दोनों। अब भाई ट्राई करेंगे कि आपको डेली व्लॉग मिले, अब इसका काम पूरा करवा दिया है, अपने पास गोप्रो भी है, बस एक फोन की दिक्कत है मतलब एडिटिंग किससे करेंगे वो चलो देखते हैं कि क्या सीन होगा। बाकी जो भी मेरा इंस्टाग्राम है सब कुछ है वो अपने साहिल जी के पास है तो यही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं उसको, अगर कोई मैसेज आता है तो समझ लेना साहिल जी मैसेज कर रहे हैं। क्यों साहिल जी, आज के ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, होप आपको पसंद आएगा, मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अभी चाचा क्या कर रहे हो।